के हाथ में है गेंद, कैच छोड़ा था युवराज सिंह का पिछले ओवर के अंदर नागामुटु ने जब लॉन्ग ऑन पे खड़े थे सुलेमान डेन की गेंदबाजी पे। अब क्या खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा उनको, क्योंकि स्ट्राइक पर फिर है युवराज सिंह। लीजिए करारा प्रहार और अनअकैडमी क्रैकिंग सिक्स। कहते हैं ना दुनिया गोल है, कैच छोड़ा और अब खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। वो प्रेशर दिमाग में खेल रहा होगा कि किसकी कैच छोड़ी है, अभी मेरा क्या हशर करेंगे। और इसी में बॉल की शॉट, और इसको तो बख्शने वाले नहीं है युवराज सिंह। आप ऐसी इस तरह की गिफ्ट करेंगे तो उसका तो धन्यवाद करेंगे युवराज सिंह। और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से और उनके मुंह से जो शब्द निकले उससे पता चल गया उन्हें एहसास हुआ कि मैंने किसका कैच छोड़ा था, अब मैं बचूंगा कैसे। दिलचस्प होगा देखना कि क्या लाइन पकड़ते हैं अब, क्योंकि फील्ड में थोड़ा सा बदलाव ये करते हुए कि जो खिलाड़ी पहले स्वीपर कवर पे ले रखा था उसको 30 गज के दायरे के अंदर ले लिया, तो तीन खिलाड़ी 30 गज के दायरे के अंदर ऑफ साइड पे। कोई फर्क नहीं पड़ता, बाउंड्री रोप का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक और अनअकैडमी क्रैकिंग सिक्स है। ओहो, दो बॉल में दो, पहले ये कारनामा ये कर चुके हैं 2007 के विश्व कप में, छह बॉल में छह सिक्स लगा चुके हैं स्टुअर्ट ब्रॉड की बॉलिंग में। और अब इस ओवर में जो 19वां ओवर है, पहली दो बॉल पर दो सिक्स। और नागामुटु तो मुझे ऐसा लग रहा है अपने लेग स्पिन बॉलर हैं, लेकिन मीडियम पेस कर रहे हैं, इस स्पीड पे मीडियम पेस करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। शायद अगर धीमी गति से लेग स्पिन करें तो कोई मौका बने। एक और, तीसरा, नागामुटु के ऊपर पूरी तरह से दबाव बना दिया है युवराज सिंह ने, और कप्तान ब्रायन लारा अपने बॉलर के पास आए हैं। क्या बात है, युवराज सिंह बहुत बढ़िया तरीके से टाइम कर रहे हैं। और ये हम बात पहले भी कर रहे थे कि ये दो चार बॉल चाहिए इनको जब शुरू में आए थे, अगर इनके मिडिल में लग गई तो वो कॉन्फिडेंस जिसकी जरूरत है बड़े बड़ी शॉट्स लगाने के लिए वो जग जाएगा, और वो जगा हुआ है इस समय। और इस बार वाइड, ओ अंपायर का वाइड का इशारा नहीं, ये तो अंदर अगर वाइड नहीं तो क्या बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, और फिर कीपर ने कलेक्ट करी, क्लीनली नहीं। इस बार डाउन द ग्राउंड, एक और सिक्स, और 200 का आंकड़ा पार कर लिया है इंडिया लेजेंड्स ने, 202 पर 3। क्या बात है, पिछली बॉल तो मुझे लगा था वाइड थी, और अगर उसको वाइड करार दिया जाता तो ये चौथा लगातार सिक्स हो जाता, लेकिन चलेगा, एक्सेप्ट करेंगे इंडिया लेजेंड्स इसको। सीधी साइड स्क्रीन पर लगी थी, और कितनी स्पीड के साथ साइड स्क्रीन पर लगी थी, ये गोल्फ खेलने का फायदा हो रहा है इनको। बल्ले पे देखिए क्या लिखा है, यू वी कैन, जी हाँ, हु कैन, यू वी कैन। पिछले मैच में डुब्रेन को चार लगातार उन्होंने सिक्स लगाए थे, और एक और जोरदार शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन चूक है। 19 ओवर समाप्त, 202 पर 3। सिक्सेस, 16 चौके अब तक इस पारी के अंदर इंडिया लेजेंड्स की तरफ से, और पिछले ओवर में तो युवराज सिंह के बल्ले से निकले चार सिक्सेस, तीन लगातार। फिर शायद एक वाइड गेंद दी जानी चाहिए थी जो नहीं दी गई, और वो लय टूटा। आखिरी ओवर, अब ये हमारा हिंदुस्तानी जज्बा है।
यूसुफ पठान स्ट्राइक पे, सिंगल मिल जाएगा पहली गेंद पर। याद रखिए 204 अब तक अनअकैडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में हाईएस्ट स्कोर है, क्या उसको पार कर सकती है इंडियन लेजेंड्स आज? बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ पिछले ओवर में हिट्स लगाई थी युवराज सिंह ने, पहली दो शॉर्ट बॉल्स थी और उससे अगली दो फ्रंट फुट से, और ये जो सिक्स लगा था इसमें तो बॉलर भी झुक गए थे अपने फॉलो थ्रू में, उनको लगा कि उनकी तरफ आ रही है बॉल, मुझे लगा सजदे में। नहीं, आपको जो लगा वो भी सही है, लेकिन जो बॉलर को लगा, बॉलर से उसका पूछने में मजा आएगा, क्योंकि इतनी जोर से हिट्स लगाते हैं बॉलर को, अगर बॉलर की तरफ आ जाए तो बचना मुश्किल हो जाए। अब सुलेमान बेन एक बार फिर डाउन द ग्राउंड, ऊंचाई भी दूरी भी, अनअकैडमी क्रैकिंग सिक्स युवराज के बल्ले से। क्या बढ़िया लय है, क्या बढ़िया फ्लो है, और ये हाईएस्ट टोटल हो गया जिसकी आप बात कर रहे थे, 204 भी बनाया था इंडिया लेजेंड्स ने वो अपने पिछले ही मैच में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध, और ये वेस्ट इंडीज के विरुद्ध सेमीफाइनल में 209 हो चुका है, और अभी भी चार बॉल फेंकी जानी बाकी है। और बेन सोच रहे होंगे कि इससे पिछले ओवर में दो कैचेस के मौके थे जो छोड़े गए, और इसका खामियाजा मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। रन लेना चाहते थे यूसुफ पठान, लेकिन युवराज सिंह कह रहे हैं जब मैं खड़े खड़े ही दे रहा हूं तो थोड़ा इंतजार करके देखो। पिछले ओवर में जो लंबाई देखी आप सिक्सेस की, पढ़ती चली गई जहां तक तीसरे पे पहुंचे, उसके बाद चौथा लगभग 80 मीटर लंबा, एक और बड़ा शॉट, बाउंड्री राइडर इसे नहीं रोक पाएगा, क्या रोक लिया, तीनों बेस्ट, जबरदस्त कमिटमेंट, लेकिन युवराज के नाम दो रन और। दो रन युवराज सिंह को अब 42 पर ले गए, दो गेंदे बची है, क्या अपना अर्धशतक पूरा कर सकते हैं? दो शॉट दूर हैं, दूर रह गए थे। क्या बात है, अनअकैडमी क्रैकिंग सिक्स, बढ़िया टाइमिंग के साथ भेज दिया इसे मिड ऑन और मिड विकेट बाउंड्री से के बीच से, छठा सिक्स युवराज सिंह के बल्ले से निकलता हुआ। फैंस खुश, इंडियन लेजेंड्स का डगआउट खुश, तो नॉन स्ट्राइकर यूसुफ पठान भी खुश, कह रहे मेरे पास बेस्ट सीट है इस समय, आप लगाते जाइए इस तरह के शॉट। 48 पर पहुंच गए युवराज सिंह, एक गेंद बची है पारी की, क्या अर्धशतक पूरा कर पाएंगे? दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स के विरुद्ध जो अर्धशतक पूरा किया था वो 21 बॉल में किया था, और इस बार अगर एक और बड़ी हिट लगा लेते हैं तो 20 बॉल में वो अर्धशतक पूरा कर लेंगे और बराबरी कर लेंगे वीरेंद्र सहवाग के साथ। पिछली 13 गेंदों में 44 रन आए हैं इंडिया लेजेंड्स के, वीरेंद्र सहवाग का भी बांग्लादेश लेजेंड्स के खिलाफ 20 गेंदों में अर्धशतक था, सेकंड फास्टेस्ट 50 जो हमने देखा इस टूर्नामेंट का। स्लाइस कर दिया है, एक रन मिलेगा, 49 पर पहुंचे युवराज सिंह, लेकिन 20 ओवर समाप्त इंडिया लेजेंड्स की पारी के, 218 रन 3 विकेट के नुकसान पर, अब तक किसान अकेडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के अंदर हाईएस्ट टीम टोटल है ये। बैटिंग कार्ड पे भी नजर डाल लीजिए इंडिया लेजेंड्स के, तेज तरार शुरुआत वीरेंद्र सहवाग ने दिलाई, 17 गेंदों में 35 रन, स्ट्राइक रेट 200 के ऊपर का था उनका। फिर सचिन तेंदुलकर ने गाड़ी पकड़ी, 42 गेंदों में 65 रन बनाए, उनका लगातार दूसरा अर्धशतक इस टूर्नामेंट के अंदर।